जोगिंदर को फोन कर दिया। जोगिंदर तेरा बेस्ट फ्रेंड क्या हाल है जोगिंदर भाई? ऑल गुड ऑल गुड। आप सुना है मेरे घर आके मार रही है? आता रहा, हम घूमते रहेंगे। बता दे कब फिर से आना। तेरी किस्मत अच्छी है, तू गांव से बाहर ही बाहर चला गया, वरना तेरे को पकड़ के ना गाय वाले कमरे पाल लेता अंदर। गांव में आके मारेगा क्या मेरे को? बड़ा डर खाली मुझे खुदा से लगता है। वो दिन तो मेरे गांव में मेरे को मारने आया था क्या? और फूल देना वो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये तो पता हो कि एलविश यादव और थारा भाई जोगिंदर के बीच काफी लंबे समय से कंट्रोवर्सी चल रही थी, और उसी बीच एलविश यादव के दोस्त थारा भाई जोगिंदर को डराने के लिए भी गए थे, लेकिन उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि एलविश यादव और थारा भाई जोगिंदर के बीच सबको शॉर्ट आउट हो चुका है, लेकिन जो लोग थारा भाई जोगिंदर को डराने और धमकाने के लिए गए थे, थारा भाई जोगिंदर अब भी उनसे गुस्सा है। लव कटारिया को जब थारा भाई जोगिंदर का कॉल आता है, तब लव कटारिया अर्चित से थारा भाई जोगिंदर की बात करवाते हैं, और उसी समय थारा भाई जोगिंदर अर्चित को धमकी देते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वीडियो क्लिप आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला। लेकिन वीडियो क्लिप को देखने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जोगिंदर को फोन कर दिया। जोगिंदर तेरा बेस्ट फ्रेंड क्या हाल है जोगिंदर भाई? ऑल गुड ऑल गुड। आप सुना है मेरे घर आए तो मारने के लिए? आते रहे, हम घूमते रहेंगे। बता दे कब फिर से आना। तेरी किस्मत अच्छी है, तू गांव से बाहर ही बाहर चला गया, वरना तेरे को पकड़ के ना गाय वाले कमरे पाल लेता अंदर। गांव में आके मारेगा क्या मेरे को? बड़ा डर खाली मुझे खुदा से लगता है। वो दिन तो मेरे गांव में मेरे को मारने आया था क्या? और फूल देना वो किस्मत फूल नहीं, बात सुन, जा तू किसी के साथ फिर आता हूँ सिस्टम के साथ। और ये गांव में मारने वारने मत आइएगा। मैं सिस्टम के साथ चलता नहीं, अकेला चलता हूँ। अकेला सिस्टम तो जेब में रहा हूँ मेरे, कुछ सिस्टम जेब में रहता था, लेकिन चलता हूँ सिस्टम को जेब में। हाँ यही तो लाइन बोली अभी इसने की जेब में रहता, तुम भी वही बोल रहे हो। मैं पॉइंट ढूंढ के लाऊंगा, तुम्हारे जैसे बाल पुराने हो रहे, तुम भी पुराने हो रहे हो। अरे मेरी छोड़ अपनी सोच है, कौन कौन के तो जड़ती दी थे हम दो ही थे भाई, तुम्हारी कसम। अगर उस टाइम तुम भाग नहीं रहे होते तो बाहर आके जरूर पिटते। गलती से गांव में किसी का हाथ मटक जाते ना एक बार, हम तो बहुतों के अटके थे, सब कह रहे वो रहा उसका घर जाओ, हमारा भी बदला ले लो। पब्लिक को डिसाइड ही करेंगे कि कौन ऊपर है, जोगिंदर या फिर ये मेरा लड़का। हाँ भाई फैन, हाँ भाई पैसा, हाँ भाई फैन। तो मेरे को एक बात बता, तो इतना खाता है सोता है, अबे तेरे घर वाले परेशान दिए क्या तेरे से? अरे ना भाई, अंगिना तो ना आ जाए हमारे पे। भाई जोगिंदर क्या कह रहे हैं? अरे भाई देखो भाई यार, चेला किसका चेला हूँ मैं? सिस्टम का। सिस्टम कौन है? सिस्टम वैलिश भाई। अरे मैं नाम लेना चाहता हूँ। अरे भाई बड़े भाई यार, वैलिश भाई चेला वेला नहीं, बड़े भाई। तू इतनी आवाज़ तो इतनी करता है, ये कर दे आवाज़ ही कर दे अच्छी थोड़ी सी। एम क्या करूँ, डब में पिस्टल लगा के चलूँ चलूँ क्या करूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, अलग अलग है। ए, तो तुम इसके घर आ जाओ भाई, ये बच के भाग गया। अगर ये सच में मेरे गांव में घुसा था ना, सब खूंटे में बांध के फटाई बट मारता रोज, पानी भी देता तेरी कसम भाई, सुबह उठती है मारता। बार बार ये बोलता पानी देता पानी देता, बिल्ली भरेगा तो पानी होगा कहां से घर में? भाई सुनो मेरी बात सुनो, एक बार तुम गुड़गांव आ जाओ, ये तुमसे मिलना चाहता है, कह रहा वन टू वन करवा दे मेरी और जोगिंदर गैल। अरे बहुत तेज मारता हूँ मैं सीधा, सुपरस्टार को बुलाओ। हाँ भाई फैन उसका, मैं ये मोटा फैन है उसका, मोटा भाई अपना। अरे बड़ा के सारे अपने कोई दिक्कत ना, तुम्हारा रेंट वेंट भर रहा है मुंबई में टाइम पे? रेंट वेंट ना भर रहा बता दो, कैश भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत ना। हुआ खाना खा लिया रात का? अरे ना ना, खाना वाना खा लिया रात में? दारू वारू का पैसा चाहिए होगा दारू के लिए? दारू वाले पैसा भिजवाओ रात में। हाँ भाई बता, खरीद लाए थे पहले अच्छा सा लाइनों से, अब कंट्रोल से करेंगे ढंग से। ये तो कंट्रोवर्सी करना चाह रहे, कंट्रोवर्सी कर लो। अरे यार बच्चों
ये तो सही कह रहा नीचे गिरने में ना दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा कि थारा भाई जोगिंदर किस तरह से एलविश यादव के दोस्त अर्चित को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उस समय अर्चित ने थारा भाई जोगिंदर से ये कहा था कि वह उनसे कंट्रोवर्सी करने वाले हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या वाकई में इन दोनों के बीच कोई कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलती है या नहीं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को लगता है कि इनके बीच कोई कंट्रोवर्सी होने वाली है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी मस्त और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।